Congratulate Sumit and his team for putting up such a good show today. I would also want to congratulate your choir who sang beautifully, as well as the girl students who performed over here. Again, since there is paucity of time, I have a lot of official work to do, so I am not able to spend as much time with you as I would have seriously wanted to. But again, I don't want it to be a monologue. I am going to speak only for 2 minutes or so, but I would want to hear from your side. Why do you feel you needed this course? Can anybody tell me? Why do you think you needed this self-defense course? Yes? Is economic empowerment. This is the advice which was given to me, और मैं आप सब लोगों को भी हिंदी में वही advice देना चाहूंगी. जिस दिन आपकी भैया आपकी केयर नहीं कर रहा है, आपके पापा आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, आपका पति आपकी केयर नहीं कर रहा है, आपको सबसे पहले यही जवाब देना चाहिए कि मैं खुद उनकी केयर कर सकती हूँ. मुझे तीनों व्यक्तियों में से किसी की भी केयर की कोई जरूरत नहीं है. जिस दिन आप कॉन्फिडेंटली खड़े होकर के ये बोलने की पोजिशन में आ जाए, उस दिन आप सोचिएगा कि आप सच में एम्पावर हो गए. मैं एक और चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगी. Earlier, this was not the case. I am sure your mothers, while they were going to schools or colleges, but right now you have an immense amount of exposure. You watch a lot of television daily. You use a lot of internet, as well as your school organizes a lot of extracurricular activities. It's not just about education. It's about your overall development. You need to decide what are the kinds of things that I'm going to watch on television. What is it that I'm going to search on internet? How many of you read the newspaper daily? How many of you read the newspaper? How many of you watch news daily? इन दोनों ही सवाल पे बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो confidently अपना हाथ खड़ा कर पाते हैं. और उसमें भी अगर लड़के और लड़कियां दोनों बैठे हों तो लड़कियों के बहुत ही कम मार्क ऊपर जाते हैं. अभी मैं आपसे पूछना शुरू करूं, आप कौन सा न्यूज चैनल देखते हैं? आप बोलने से पहले कतराएंगे, झिझक आएगी आपके मन में, मैं बोलूं कि ना बोलूं. व्हाई? क्योंकि शायद जो चॉइस आपने अपने लिए करी है आप खुद उससे संतुष्ट नहीं है. इजंट इट द चॉइस दैट यू मेक हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड योर 24 आवर्स ऑफ अ डे इज वॉट डिफाइंस यू एज अ पर्सन. दिन भर आप अनगिनत डिसीजन करती है. आप अपना 24 घंटे का समय कैसे व्यतीत करेंगी, किस चीज को कितना टाइम देंगी, ये डिफाइन करता है कि आप सच में एक कैसी लड़की हैं, आप एक कैसे इंसान हैं. ये जो 24 घंटे आपको मिलते हैं, सबको उतने ही घंटे मिलते हैं. आई विल अगेन एडवाइज यू कि समय होता है एक हमारी लाइफ का जो कभी वापस नहीं आता है. देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज. बहुत सारी चीजों के लिए पूरा लाइफ पड़ी होती है, बट काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो यदि एक बार निकल जाती हैं, वो जीवन में दोबारा कभी वापस नहीं आती. आप कितना भी कोशिश करें, जैसे अभी आप 9th में पढ़ रही हैं, आप 10th में पढ़ रही हैं, 10th में आपने एक बार एग्जाम दे दिया, क्या आपको कभी मौका मिलेगा कि आप सारे पेपर्स फिर से दें? वो एक मार्कशीट जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी. आप अगर IAS का भी इंटरव्यू देने जाएंगी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, ये सारे मार्क्स आपके साथ जाएंगे. आप पीछे जाके उसे बदल सकती हैं. कैन यू चेंज योर 9th क्लास रिजल्ट? कैन यू चेंज योर 10th क्लास रिजल्ट? कैन यू चेंज योर 12th क्लास रिजल्ट? व्हाटएवर इज द करियर दैट यू वांट टू ऑप्ट फॉर, आपको कितनी मेहनत करनी है किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्या आप उसे बदल सकते हैं? एक बार यदि वो समय बीत गया, सो माई डियर स्टूडेंट्स, टाइम डज नॉट कम बैक, प्लीज रियलाइज इट. ओके, as much as you can make use of your 24 hours to become the best version of yourself, please do not copy anybody else. Only because an IAS officer is standing in front of you does not mean that you all need to become IAS officers. Become whatever that you wish to be, but please become the best version of yourselves, somebody who your parents can be immensely proud of. On that positive note, I would like to wish all of you a very all the best. I would also like the faculty, I would also wish the faculty to continue doing their good work, and hopefully I'll get to meet many of you in future on this side of the table. Thank you.